हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 9th अक्टूबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2019। फर्स्ट, आउटडोर पॉल्यूशन इज हायर देन इंडोर हाउसहोल्ड पॉल्यूशन। सेकेंड, एयर पॉल्यूशन इज वन ऑफ द हाइएस्ट कॉज ऑफ डेथ among all the health risks. Third, life expectancy in South Asia reduced more than the global average. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। The correct answer is D, 1, 2 and 3. तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए, जब स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, उसके अंदर ये फाइंडिंग्स मिले थे कि पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें, यहाँ पे सॉरी इंडिया के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, राइट। और कुछ फाइंडिंग्स जो है वो ग्लोबल लेवल के भी है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इंडिया के अंदर अगर हम आउटडोर पॉल्यूशन की बात करें, सो हाउसहोल्ड पॉल्यूशन इज ओनली 25% ऑफ टोटल आउटडोर पॉल्यूशन। So, हम कह सकते हैं कि इट्स शेयर इज क्वार्टर देन दैट ऑफ आउटडोर पॉल्यूशन। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है कि एयर पॉल्यूशन जो है इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट कॉजेस ऑफ डेथ्स अमंग ऑल द हेल्थ रिस्क। एयर पॉल्यूशन जो है वो स्मोकिंग से जस्ट अबो आता है, राइट। सो एक कारण है कि जिसकी वजह से हेल्थ रिस्क की वजह से डेथ होती है लोगों की। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, साउथ एशियन रीजन के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इट रिड्यूस्ड बाय 2.6 इयर्स, और ग्लोबल एवरेज जो है वो 20 मंथ्स की है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबल एवरेज से कहीं ज्यादा साउथ एशियन रीजन के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो रिड्यूस हुई है, इट रिड्यूस्ड बाय 2.6 इयर्स। सो करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। सो ईपीसीए जो है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, सॉरी, तो उन्होंने दिल्ली के अंदर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर जो है वो दे दिया है। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है क्या। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP। फर्स्ट, It works only as an emergency measure to tackle air pollution. Second, the plan is incremental in nature. And third, guidelines under this plan are to be followed currently by the Union Territory of Delhi only. So, चलिए देखते हैं correct answer क्या होगा? Correct answer is A, 1 and 2. First and second statement जो है वो correct है, third is incorrect. अब देखिए, ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है, इट इज एन इमरजेंसी मेजर। जब एयर क्वालिटी जो है वो सीवर कैटेगरी से या फिर वेरी पुअर कैटेगरी में चली जाती है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये एक्शन प्लान जो है वो एनफोर्स किया जाता है। एनफोर्समेंट की अथॉरिटी किसके पास है, अभी हमने न्यूज आर्टिकल में देखा, द अथॉरिटी लाइज विद द ईपीसीए, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। तो ये एक इमरजेंसी मेजर है, टेम्पररी मेजर भी कह सकते हैं आप। द प्लान इज इंक्रीमेंटल इन नेचर, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे एयर क्वालिटी खराब होती जाएगी, तो वैसे ही ये प्लान के अंदर स्ट्रिक्टर नॉर्म्स जो है उसे एनफोर्स किया जाएगा। मतलब कि जैसे ही एयर क्वालिटी खराब होगी, उसी के साथ रिस्ट्रिक्शन जो है वो और भी ज्यादा इंक्रीज होते जाएंगे। तो सेकेंड जो है वो करेक्ट होगा, थर्ड इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड ओनली, बिकॉज इसके अंदर जो गाइडलाइंस है वो दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान का जो रीजन है, उन सभी के अंदर जो NCR एरिया है, मतलब जिस एरिया की वजह से दिल्ली के अंदर एयर पॉल्यूशन हो सकता है, ऐसे सभी एरिया के अंदर ये गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट होगा, आवर आंसर इज ए, 1 only। जैसा कि हमने देखा कि ईपीसीए ने दिल्ली को ये डायरेक्शन दे दी है टू इंप्लीमेंट ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द करंट स्टेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, मतलब अभी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन क्या है। फर्स्ट, टोटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज गेन्ड बाय लेस देन 10% करंटली। सेकेंड, हाइएस्ट इन्वेस्टमेंट रिकवरी इज सीन इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू, दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए आज ही के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ है, हम आर्टिकल देखते हैं। देखिए, सेकेंड क्वार्टर रिकॉर्ड्स 107% सर्ज इन द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर 107% इंक्रीमेंट हुआ है और यहाँ पे लिखा है लेस देन 10%, तो इस वजह से ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। अब देखिए अगर हम फाइंडिंग्स देखें तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि छत्तीसगढ़ हैज इमर्ज एट द टॉप स्पॉट फॉर द रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो हुए हुए, गुजरात जो है वो फोर्थ रैंक पे है। सो सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगा, आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। तो ये न्यूज आर्टिकल के बेसिस पे क्वेश्चन था। अब हम एक जनरल इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट रीजंस फॉर द स्लो ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ जो है वो स्लोअर रेट पे है, तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, इंप्रूवमेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बाय कॉर्पोरेट्स। सेकेंड, कॉशियस लैंडिंग बाय बैंक्स। एंड थर्ड, प्री इलेक्शन अनसर्टेनिटी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, वन टू एंड थ्री, तीनों कॉजेज जो है दे आर द करेक्ट कॉजेज फॉर द स्लोअर ग्रोथ रेट इन इंडिया इन इन्वेस्टमेंट सेक्टर। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट रीजन क्या है, इंप्रूवमेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बाय कॉर्पोरेट्स। अब अगर अभी की सिचुएशन की बात करें तो आप सभी को पता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर डेट रेशियो जो है वो काफी ज्यादा है, कॉर्पोरेट डेट जो है वो काफी ज्यादा है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि हाउ कॉर्पोरेट्स बिहेव इन फाइनेंसिंग देयर ऑपरेशंस, उनके जो ट्रांजेक्शन है उसको ऑपरेट करने के लिए वो फाइनेंस कैसे करेंगे। तो अगर डेट रेशियो ज्यादा है तो उनका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले ये डेट की क्वालिटी जो है उसको इंप्रूव करेंगे, मतलब जो आउटस्टैंडिंग डेट है उसको रीपे करेंगे और उसके बाद नया इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। तो करंटली ये फर्स्ट रीजन जो है वो करेक्ट होगा, बिकॉज ऑल द कॉर्पोरेट्स आर बिजी इन रीस्ट्रक्चरिंग देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है, कॉशियस लैंडिंग बाय बैंक्स। आप सभी को पता है एनपीए की प्रॉब्लम, और अभी गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स जो है उसकी वजह से एनपीए इन नियर फ्यूचर इंक्रीज भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मोरेटोरियम पीरियड गिवन बाय द बैंक्स। तो ये सेकेंड भी करेक्ट होगा। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, प्री इलेक्शन अनसर्टेनिटी, बिकॉज आप सभी को पता है कि इलेक्शन के बाद अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो हो सकता है कि उसकी पॉलिसी जो है वो प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ मैच ना करे, और अगर उनकी पॉलिसीज चेंज हो जाएगी तो ऐसे टाइम पे जो हमारा प्रीवियस इन्वेस्टमेंट होगा उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकती है। तो इस वजह से भी प्री इलेक्शन अनसर्टेनिटी में भी इन्वेस्टमेंट जो है उसका ग्रोथ रेट स्लोअर रेट पे होता है। तो थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, आंसर इज डी, वन टू एंड थ्री। जैसा कि हमने देखा इन्वेस्टमेंट के बारे में आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, एनसीडीसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ H1N1 फ्लू इन द कंट्री इन 2009। सेकेंड, इट फंक्शंस एज द नोडल एजेंसी फॉर डिसीज सर्वेलेंस इन द कंट्री। एंड थर्ड, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रेन स्पेशलाइज्ड मैन पावर फॉर पब्लिक हेल्थ एंड लेबोरेटरी साइंसेस। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए H1N1 फ्लू, जिसे हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, तो उस टाइम पे ये एनसीडीसी जो है उसको रीफ्रेम किया गया। ओरिजिनली इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर
1909, लेकिन तब उसका नाम क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। फिर उसके बाद 2009 के अंदर उसके जो फंक्शंस है उसको एक्सपांड किया गया, तो कम्युनिकेबल डिसीजेस के अलावा जितने भी टोटल डिसीजेस है उन सभी की अथॉरिटी किसको दी गई? एनसीडीसी को दी गई, और उसका नाम जो है वो बदला गया, बट ओरिजिनली इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1909। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा, सेकेंड जो है वो करेक्ट है, इट इज द नोडल एजेंसी फॉर द डिसीज सर्वेलेंस इन द कंट्री। करंट सिचुएशन में आप देख ही रहे कि किस तरीके से कोविड 19 का सर्वेलेंस होता है। एंड थर्ड जो है वो भी करेक्ट, जो स्पेशलाइज्ड मैन पावर रिक्वायर्ड है इन द पब्लिक हेल्थ एंड लेबोरेटरी साइंस, उन सभी को ट्रेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की। सो अवर आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। सो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल जो है उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये जारी किया है कि इन्फेक्शन स्प्रेडिंग फ्रॉम ऑफिसेस टू फैमिलीज। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म NSCNIM समटाइम्स सीन इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर एंड ऑप्शन डी नागालैंड। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी नागालैंड। NSCN का मतलब क्या होता है? नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल, सॉरी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो ये नागा पीस प्रोसेस जो है उसके अंदर ये जो कम्युनिटी है उसको ये काउंसिल जो है वो रिप्रेजेंट करती है अगेंस्ट दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो नागा पीस प्रोसेस जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? फर्स्ट, इट वॉज इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच। सेकेंड, बेनिफिशियरीज आर टारगेटेड इक्वली इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। एंड थर्ड, इट ऑल्सो कंटेन्स प्रोविजन्स फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी 1 and 3। फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, सेकेंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट विच वॉज इनेक्टेड इन 2013, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि फूड सिक्योरिटी जो है उसको एक लीगल राइट बनाना, और ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच मतलब कि फूड इनसिक्योरिटी की वजह से कोई पॉवर्टी साइकिल में ना चला जाए, तो इसको एंश्योर करना किसका मेन ऑब्जेक्टिव था? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड इज इनकरेक्ट, बिकॉज इसके अंदर जो बेनिफिशियरीज है उसमें से रूरल एरिया के अंदर 75% कवरेज रेशियो है, 75% कवरेज रेशियो है, एंड अर्बन एरिया के अंदर 50% कवरेज रेशियो है। अर्बन एरिया के अंदर 50% कवरेज रेशियो है, तो दोनों के अंदर इक्वल नहीं है, इस वजह से ये सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट होगा। थर्ड इज करेक्ट, बिकॉज मैटरनिटी बेनिफिट्स के प्रोविजन है, ₹6,000 पर मंथ इज प्रोवाइडेड टू दी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो ये थर्ड जो है वो करेक्ट होगा, आंसर इज सी 1 and 3। सो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एक वहां की जो हाईकोर्ट है वहां पे पिटीशन फाइल की गई है कि जो लॉकडाउन का टाइम पीरियड था तो उस टाइम में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से टोटल कितने फूड ग्रेन परचेस किए थे और उसमें से बेनिफिशियरीज को कितने मिले, राइट? तो इस वजह से राजस्थान के अंदर ये NFSA को लेके डिबेट चल रही है। आप सभी को पता है कि प्रोक्योरमेंट का काम किसका होता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का होता है, और ये सारी प्रोसेस जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, Assam has subdivision among the tribal groups within the state. Second, rehabilitation of displaced tribals is a legal right to tribal community. And third, government lands
tribal lands and forest lands cannot be leased out to private corporations. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी 1 and 3. फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, सेकेंड इज इनकरेक्ट. और देखिए आसाम जो है उसके अंदर जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स है उसके अंदर भी सब डिविजन है. देर आर टू सब कैटेगरीज ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन आसाम. फर्स्ट इज हिली ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब बेस्ड ऑन हिली एरियाज, एंड द सेकेंड वन इज फॉर प्लेन्स. जो वहां के प्लेन्स है उसके ट्राइबल ग्रुप्स भी अलग है. सो देर आर सब डिविजन अमॉन्ग द ट्राइबल ग्रुप्स विद इन द स्टेट. फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड इज इनकरेक्ट, बिकॉज एज पर द दीना दयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना फैसला दिया है कि रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड ट्राइबल्स इज अ फंडामेंटल राइट. ट्राइबल लोगों को रिहेबिलिटेट करना ये उनका आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट है, एज पर द जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द दीना दयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. तो इस मुताबिक ये सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट होगा. थर्ड इज करेक्ट कि गवर्नमेंट लैंड हो, ट्राइबल लैंड हो या फॉरेस्ट लैंड हो, आप किसी भी प्राइवेट कॉरपोरेशन, इवन आप जो नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है उसको भी ये लैंड लीज आउट नहीं कर सकते. तो थर्ड जो है वो करेक्ट है, आंसर इज सी 1 and 3. सो आसाम के अंदर जो ट्राइबल ग्रुप्स है उन्होंने ये कहा है कि जो शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट है उसको फ्रीज किया जाए, वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल रहेगा. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट जीन एडिटिंग. फर्स्ट, इट इज अ टेक्नोलॉजी वेर स्पेसिफिक चेंजेस आर मेड इन द डीएनए ऑफ अ सेल और ऑर्गेनिज्म. सेकेंड, जीन्स ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोज कैन बी एडिटेड यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी टू इरेज हेरिटेबल हार्ट कंडीशन. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 and 2. दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. अब देखिए जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इट इज अ टेक्नोलॉजी जहां पे डीएनए के अंदर जो डिफेक्टेड जीन्स होते हैं उनको सीजर आउट करके जो फ्रेश एंड हेल्दी जीन्स है उसको रिप्लेस किया जाता है. मतलब डीएनए के अंदर जो डिफेक्टेड जीन्स है उनको नए हेल्दी जीन के साथ रिप्लेस किया जाता है. उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी. तो फर्स्ट करेक्ट होगा. और सेकेंड जो है वो रिसेंटली यूएस के अंदर वहां के रिसर्चर्स जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में ये स्टेटमेंट है. उन्होंने ह्यूमन एम्ब्रियोस को उसके अंदर जो जीन्स है उसको एडिट किया था ताकि जो हेरिडिटरी हार्ट डिसीजेस मिलते हैं किसी पर्सन को उसको आप दूर कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की मदद से. तो सेकेंड जो है वो करेक्ट है. Although there are certain ethical concerns related to gene editing technology, लेकिन prelims के अंदर वो सब issues के बारे में नहीं पूछते. Prelims mainly based on the facts. तो second जो है वो correct है. US के अंदर ये experiment हुआ था. Answer is C, both 1 and 2. So chemistry के अंदर जो Nobel Prize दिया गया है recently 2020 के अंदर, it is awarded for the technology that is CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 is a technology that is used for the gene editing. तो काफी साल पहले ये टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वेंट की गई थी लेकिन उनको नोबेल प्राइज जो है वो अभी दिया गया. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ RBI. फर्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI लैंड्स टू बैंक्स. सेकेंड, ratio of amount of banks parked with RBI, and third, interest rates on home loan, and fourth, rate of interest at which banks lend to RBI. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी, इंटरेस्ट रेट्स ऑन होम लोन. अब देखिए RBI की जो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी है उसके डायरेक्ट कंट्रोल में ये होम लोन के रेट जो है वो नहीं होते. वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट,
CRR, SLR, open market operation, then marginal standing facility, liquidity adjustment facility, ये सब चीजें जो है वो determine करते हैं. तो first जो है rate of interest at which RBI lends to banks, तो इसे क्या कहते हैं? Repo rate. तो first जो है वो incorrect होगा. Second जो है ratio of amount of banks part with RBI. So it can be either CRR, cash reserve ratio, or it can be either SLR. तो ये भी डायरेक्ट कंट्रोल में है मॉनिटरी पॉलिसी के. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक्स लेंड टू आरबीआई, तो इसे क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट. तो ये भी डायरेक्ट कंट्रोल में है, तो ये भी गलत होगा. सो बचा क्या? इंटरेस्ट रेट ऑन होम लोन. सो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जो है उनकी आज क्वार्टरली मीटिंग हुई थी, और उसके अंदर जो डिसीजंस लेने वाले हैं तो उसके बारे में ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है वो आज के न्यूज़पेपर में था. ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकता है. हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.